दोस्तों, ये ज़िंदगी खूबसूरत क्यों है? उनमें से एक बहुत बड़ा कारण कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं, जिनमें जगमगाता सनशाइन, मदमस्त बहती शरारती नदियाँ, आसमान छूते पहाड़ियाँ और कल कल बहते झरने तो हैं ही, लेकिन उन्हीं में कुदरत की एक अनोखी रचना फूल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अनूठे फूल सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी फूल के बारे में। वैसे तो इस अनोखे फूल की कई कहानियां फेमस हैं, और ये कोई राज नहीं है कि सूरजमुखी सूरज देवता के दीवाने होते हैं और सुबह होने से रात तक सूरज को फॉलो करते रहते हैं, मतलब सूरज की ओर मानो टकटकी बांधे जैसे देख से रहे हो। एक बात जो कितनी सच है ये तो पता नहीं, लेकिन इसको पूरा सुनने के बाद इंस्पिरेशन बहुत मिलती है और आज के दौर में यह रेलेवेंट भी है, जरूरी भी है और बेहद काम की बात है। आप सोच रहे होंगे किस बात की इंस्पिरेशन? चलिए पहले सुनते हैं और फिर इंस्पिरेशन की बात करेंगे। वैसे तो सूरजमुखी फूल एक सनशाइन वाले दिन जब सूरज अपने पूरे जोर पर हो तो सुबह से उनकी ओर मुंह करके मानो एनर्जी लेते रहते हैं, और जैसे जैसे दिन बीतता है सूरजमुखी सूरज का पीछा करते करते अपना रुख बदलते रहते हैं, और अंधेरा होते होते उन्हें जैसे अगली सुबह की आस होती है और वो उसी दिशा में रात को आराम करते हैं जिस दिशा में सूरज वापस से उगने वाले होते हैं। कभी आपने सोचा है जिस दिन सूरज देवता छुट्टी पर चले गए हों उस दिन क्या होता होगा? मतलब आसमान पर काले बादल छाए हों और सूरज देवता कहीं पीछे छुपे हों तो क्या होता होगा? शायद सूरजमुखी नीचे देखेंगे या इंतजार में दिशा वैसे ही बदलते रहेंगे। सोचिए सोचिए दोस्तों, जिस दिन बादलों का राज होता है उस दिन सूरजमुखी एक दूसरे की ओर रुख कर लेते हैं, और ऐसा कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी एक दूसरे से शेयर करते हैं और ऐसे मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। इस खूबसूरत सी बात में बड़ी गहरी प्रेरणा छुपी है। आज का दौर वह दौर है जब हम सब बड़े परेशान से हैं। सभी की परेशानियों के कारण भले अलग अलग हों, लेकिन वक्त मुश्किल है, और संकट के इन बादलों के बीच उम्मीद का सूरज कहीं लुका छुपी खेल रहा है। ऐसे कठिन समय में सूरजमुखी की इस कहानी या किस्सा, जो भी कहना चाहें आप, इससे सीखने को यह मिलता है कि हम सब मिल करके एक दूसरे को एनर्जी दें, उम्मीद दें, हिम्मत बढ़ाएं कि यह कठिन वक्त भी चला जाएगा और उम्मीदों का सूरज फिर से चमकेगा, हम सब खूब खिलकर चमकेगा।